झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, पर दोनों में अद्भुत ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हम सबकी जिज्ञासा होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे ही विषय को लेकर मैं आपसे जुड़ी हूँ, कुछ टिप्स और अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि जब हम कभी स्पीच की शुरुआत करना हो तो हम स्पीच की शुरुआत कैसे करें, हम क्या बोलें कि हमारी स्पीच की शुरुआत धमाकेदार हो जाए। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहूँगी कि अपनी स्पीच की शुरुआत आप कैसे करें जो बेहतर से बेहतर आपको अच्छा वक्ता बना सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 30 सेकेंड हमारे लिए ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो पब्लिक को ये डिसाइड करने में लगते हैं कि वो हमें सुने या ना सुने, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, अच्छी शुरुआत ही हमारा आधा काम कर देती है। तो 30 सेकेंड के अंदर हमें अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ शानदार और धमाकेदार अंदाज में करनी है ताकि हमारी स्पीच बेहतर से बेहतर बन सके। तो दोस्तों, जब भी आपको स्पीच देने का मौका मिले या आपको स्पीच के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जहाँ पर आप जिस आयोजन स्थल पर गए हैं वहाँ वो आयोजन स्थल कैसा है, वहाँ किस तरह के लोग आए हुए, किस कैटेगरी के लोग हैं, नारी शक्ति ज़्यादा है, युवा वर्ग ज़्यादा है, बुजुर्ग वर्ग ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीच की शुरुआत करना है और अपनी बात को आगे बढ़ाना है। तो मान लीजिए वहाँ पर आप गए और आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर बुजुर्ग वर्ग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो आप कुछ इस तरह से कहकर अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। उनके सम्मान में आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया ज़रूरी होता है, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया ज़रूरी होता है, सुंदर दिखने के लिए काया ज़रूरी होती है, ये सच है कि सुखद भविष्य के लिए, ये सच है कि सुखद भविष्य के लिए बड़े बुजुर्गों का साया ज़रूरी होता है। इस प्रकार से कहकर उनके सम्मान में पंक्तियाँ कहकर अपनी बात की शुरुआत आप अच्छे से कर सकते हैं, या फिर कोई बच्चे आए हों तो बच्चों के हिसाब से बात कर सकते हैं। नारी शक्ति वहाँ पर विराजमान है तो उनके सम्मान में भी कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, इस तरह से कहकर अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि जब भी आप किसी आयोजन में गए और वहाँ पर स्पीच देने का आपको मौका मिला तो आपको स्पीच के लिए कुछ निर्धारित समय दिया जाता है, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, उसमें अपनी बात को आप पूरा करना रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको जो निर्धारित समय दिया गया है उससे कम समय में अपनी बात को समाप्त करके अपना अच्छा प्रभाव आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहना एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। और आप कम समय में बेहतर से बेहतर कहकर अगर अपनी बात को वहीं समाप्त करते हैं तो आपका प्रभाव और अधिक अच्छा गिरेगा श्रोताओं पर। तो कुछ समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर हमें अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहना है। अब हम अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप वहाँ स्पीच देने गए और आपसे पहले जो वक्ता आकर वहाँ पर कह गए उस विषय के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं कि माननीय सम्माननीय गुप्ता जी, शर्मा जी जो भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात को, अपने सुझाव दिए उन्होंने और उन्होंने जो बात कही है उस बात का मैं समर्थन करती हूँ और उनकी बात मैं अपनी ये राय देना चाहती हूँ कि इस तरह से काम करने से ये जिस विषय पर हम काम करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कुछ इस तरह से कहकर भी आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्पीच बोले तो खुल कर बोले, अंदर मन की भावना से बोले, क्योंकि बहुत सी बार हड़बड़ाहट में हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं और जब हम फुल कॉन्फिडेंस से खुलकर बोलेंगे, अंदर की भावना से बोलेंगे तो हम सब कुछ अच्छा बोलेंगे और अपना अच्छा प्रभाव हम श्रोताओं पर छोड़ सकेंगे और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि आप जब भी कभी स्पीच देने जाएँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा तो वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब गलत बोले और कब नहीं। अपनी बात को अच्छी तरह से संभाल लेना हमें आना चाहिए,
एक अच्छे वक्ता की पहचान है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो इससे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि श्रोता बनकर हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हम उसको सही तरीके से कहने की बात को रख सकते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। तो वक्ता बनने से पहले एक आप अच्छे श्रोता भी बनिए, तभी हम एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आप स्पीच देने चाहते हैं तो जहाँ आयोजन स्थल पर आप गए, आप ये दो बातें कभी ना कहे। एक, आप कभी भी स्पीच के दौरान ये ना कहे कि मैं अगर कुछ गलत बोल जाऊँ या कुछ गलत कह रहा हूँ या मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना। एक बात ये कभी नहीं करना, इस तरह से माफ़ी मांगना ये अच्छा नहीं लगता, यह हमारी वैल्यू को कम करता है। दूसरी बात ये कि जिस विषय को लेकर आपको वहाँ बुलाया गया है तो आप जाकर ये मत कहिए कि इस विषय के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये भी आप बिल्कुल ना कहे, क्योंकि आपको स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, न कि आपको ये बताया गया है। आप जितना भी उस विषय के बारे में जानते हैं अपनी बात को शेयर कीजिए, पर ये बिल्कुल नहीं कहे कि मैं इस विषय के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा कहकर हम अपनी वैल्यू खुद को खुद घटाते हैं। तो ये दो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी ना कहे, कभी माफ़ी मत मांगिए इस तरह से, और कभी भी ये ना कहे कि मैं इस विषय के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं जितना जानती हूँ सब शेयर कीजिए उनसे, और अपनी बात को रखना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारी स्पीच को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इन छोटे छोटे टिप्सों का ध्यान रखकर हम अपने स्पीच की एक धमाकेदार शुरुआत कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और कम समय में अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कहकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक अपनी अच्छी छाप हम दर्शकों और श्रोताओं पर छोड़ सकते हैं और एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्सों का ध्यान रखकर आप भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए और इस कोशिश में बने रहें। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।